हेलो गाइस, अगर आप SBI ATM कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हैं, कभी ऐसा होता है ना कि आपका पिन किसी अदर पर्सन को मालूम हो जाता है, या कभी अपने ATM को किसी दोस्त को देते हैं और उसको पिन बताते हैं कि मेरे ATM से इतना पैसा निकाल करके लाइए, विड्रॉल करके लाइए, तो अपने दोस्त को ATM पिन पता हो जाता है और आपके मन में एक भ्रम हो जाता है कि जो अदर पर्सन को मेरा ATM पिन पता चल गया है, कहीं वो मेरे ATM के साथ फ्रॉड ना कर ले, कहीं मेरा ATM ले जा करके ATM मशीन में ले जा करके वो पैसा विड्रॉल ना कर ले, या मेरा ही दोस्त मेरे साथ फ्रॉड ना कर ले। तो आपके माइंड में एक बात आता होगा कि क्यों ना हम अपने ATM पिन चेंज ही क्यों ना कर ले? लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ATM कार्ड को ATM मशीन में ले जा करके किस तरीके से चेंज किया जाता है। आज मैं आपको ATM मशीन में ले जा करके ATM कार्ड को ATM मशीन में डाल करके कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है तब आपका ATM कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं और सक्सेसफुली आपका चेंज भी हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस मैं ATM मशीन में ले जा करके आपको करके दिखा करके सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम ATM मशीन में ले जाकर के आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक पे नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज, ATM का पिन चेंज करने के लिए मैं ATM कार्ड लेकर के ATM मशीन में आ चुका हूँ। अब किस तरीके से ATM कार्ड का पिन चेंज किया जाता है वो मैं आपको ATM कार्ड ATM मशीन में डाल करके चेंज करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो ATM कार्ड है, जो चिप वाला पर्सन है, इसको आपको अंदर साइड रखना है और डालने का ऑप्शन से यहाँ पे आपको सही तरीके से आपको अपना ATM कार्ड को डाल देना है। ऐसे डालेगा तो आपके ATM मशीन का कुछ इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, लिखा हुआ योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने ATM कार्ड के पिन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा बैंकिंग का, तो बैंकिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको समझ में आता है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 से लेकर 99 तक आपको एक नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे 12 डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यस या नो का दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना करेंट पिन, आपका जो पुराना पिन है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना पिन डाल देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पिन डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा, तो आपको पिन चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है पिन चेंज, जो मैं आपको उंगली के जरिए से दिखा रहा हूँ, पिन चेंज लिखा हुआ है। जस्ट उसी के सामने एक बटन है, उसको ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिख के आया है प्लीज़ इंटर यूअर न्यू पिन, तो आपको जो अपने पसंद से पिन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सही तरीके से डाल देना है, जो आपको याद रखे 4 डिजिट या 6 डिजिट। फिर यहाँ पे लिख के आया है प्लीज़ री इंटर यूअर न्यू पिन, यानी जो इससे पहले आप डाले हैं वही वाला यहाँ फिर से आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद आपके आपको कुछ भी कोई भी बटन यहाँ पे डालना नहीं है। योर ट्रांजेक्शन इज बिगन प्रोसेड, योर पिन हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने ATM कार्ड को ATM मशीन में ला करके किस तरीके से अपने ATM का पिन चेंज करके सक्सेसफुली यहाँ पे पिन चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो आपका भी ATM का पिन चेंज हो जाएगा, अगर वीडियो को आपने फुल वॉच किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।